फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू। आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल खुशबू कुक्स पे। आज मैं कच्चे केले की कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। काफी टेस्टी रेसिपी है, बनाना भी बहुत आसान है। कच्चा केला खाना तो हेल्दी होता ही है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसा लगा आपको। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोफ्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ एक कच्चा केला लिया है, उसे कुकर में एक सीटी लगाकर पका लिया है। एक उबला आलू लेंगे, एक कटा हुआ प्याज, दो हरी मिर्च, हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ कप बेसन कोफ्ते के लिए, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक हाफ टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून। तो चलिए कोफ्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें केले और आलू को मैश कर लेना है। केला को ऐसे छील लें, इसका छिलका हटा लें। केला को मैंने प्रेशर कुकर में एक सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे पका लिया था। आप चाहे तो इसे बॉईल भी कर सकते हैं 10 से 15 मिनट। इसका छिलका निकाल लें। आप चाहे तो इसे मैश कर सकते हैं या फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ कद्दूकस कर रही हूँ, इससे कोफ्ते में एक भी बड़े टुकड़े नहीं आते हैं। केला को कद्दूकस कर लेंगे ऐसे, ये देखिए। और आलू को भी मैंने यहाँ कद्दूकस कर लिया है। आलू ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आलू कद्दूकस कर लिया है मैंने। इसमें आप सारे मसाले डालेंगे। कटा हुआ प्याज डालें, हरी मिर्च डालें, अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बनाकर रखा था वो डालें, नमक डालें, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डालें, बेसन डालें। बेसन थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक बार में पूरा ना डालें। हमें बस उतना ही बेसन यूज़ करना है जिससे कि कोफ्ता जो है वो बाइंड हो सके। ये देखिए, मैंने अभी बस 2 चम्मच लिया है। अच्छे से मिला लें। बीच बीच में चेक करते रहिए कि कोफ्ता आसानी से बन रहा है या नहीं। मैंने हाफ कप बेसन लिया था मगर मैंने 2 चम्मच ही यूज़ किया है। हमें बस बाइंड होने के लिए बेसन यूज़ करना है थोड़ा सा, उसी तरह थोड़ा थोड़ा यूज़ करें बेसन। कोफ्ता बनाकर ऐसे चेक करते रहे कि आसानी से बॉल बन रहा है या नहीं। ये देखिए, आसानी से बन रहा है, तैयार है। अब फ्राई कर लेंगे कोफ्ते को। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब उसमें थोड़ा सा कोफ्ता का हमने जो मसाला तैयार किया था वो डालकर देख लें। अगर वो बबल्स आ रहे हैं तभी डालें, तेल अच्छे से गरम होना चाहिए नहीं तो कोफ्ता तेल सोक कर लेंगे। तेल अच्छे से गरम है, इसमें सारे कोफ्ते को शेप दे दें और शेप देकर डालें। देखिए ऐसे मीडियम फ्लेम रखें, मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकाना है। कोफ्ता को फ्राई होने में 5 से 10 मिनट लगेगा। हमें बस हल्का सा लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। कोफ्ता को मैंने डाल दिया है, इसे हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक पका लें। हर तरफ से ऐसे पलट कर धीरे से इसे पलटें, ऐसे धीरे धीरे पलटें।
5 से 10 मिनट बाद देखेंगे कोफ्ता अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुका है। ये देखिए अच्छे से पक चुका है। अब निकाल लेंगे कोफ्ते को। अब ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 प्याज छोटे साइज के, 9 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इन सब का हमें पेस्ट बना लेना है, 2 लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर और 1 टमाटर, इसका हमें पेस्ट बना लेना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब उसमें तेज़पत्ता और लाल मिर्च डाले धोकर। हमें इसे 30 से 40 सेकंड तक भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। लाल मिर्च की जगह आप चाहे तो हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। 30 से 40 सेकंड बाद देखेंगे अच्छे से भून चुका है। इसमें हमने जो प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार करके रखा था वो डालेंगे, अच्छे से मिला दें। अच्छे से मिलाते हुए इसे भूनें। हमें इसे ब्राउन होने तक भूनना है, 4 से 5 मिनट लगेगा बस मीडियम फ्लेम पे। 4 से 5 मिनट बाद देखेंगे प्याज अच्छे से भुन चुका है। इसमें हमने जो टमाटर का पेस्ट तैयार करके रखा था वो डालेंगे, अच्छे से मिला दें। मसालों को भी अभी डाल दें, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अच्छे से मिला दें। मसालों को हमें इससे तेल अलग होने तक भूनना है जब तक कि कलर ना चेंज हो जाए। इसमें 4 से 5 मिनट लगेगा। 4 से 5 मिनट बाद देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। मैंने यहाँ 1/2 ग्लास पानी डाला है। आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं, उसी हिसाब से पानी डालें। ग्रेवी में हमें बॉयल आने तक इसे पकाना है। गरम मसाला पाउडर डालें, अच्छे से मिला दें और मीडियम फ्लेम पर ग्रेवी को पकाएं बॉयल आने तक। अच्छे से एक उबाल आना चाहिए ग्रेवी में। 2 से 3 मिनट बाद देखेंगे ग्रेवी अच्छे से उबलने लगी है। ये देखिए इसमें हमने जो कोफ्ता को फ्राई करके रखा था वो डालेंगे। ग्रेवी जब अच्छे से तैयार हो जाए उसके बाद ही डालें। कोफ्ता डालने के बाद हमें सब्जी को और नहीं पकाना है, नहीं तो कोफ्ता टूटने लगेगा। ग्रेवी तैयार है, ये देखिए। मुझे ग्रेवी इतना ही रखना है, इतना ही पतला, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ग्रेवी अच्छे से उबलने के बाद इसमें कोफ्ता डालें। कोफ्ता डालकर अच्छे से मिला दें और गैस ऑफ कर दें। कोफ्ता डालने के बाद ग्रेवी थोड़ी सी थिक होती है, आप इसलिए उस हिसाब से रख सकते हैं। केले का कोफ्ता तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।